आप किधर काम करते हो और क्या करते हो? आई वर्क फॉर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स. सो ऑल राइट. वर्किंग एज ए डीजीएम ट्रांसपोर्टेशन. ओके. इवन माय ब्रदर इज आल्सो फ्रॉम महिंद्रा. ओह, ही आल्सो वर्क्स फॉर महिंद्रा. या, ही इज अ प्लांट मैनेजर इन हैदराबाद इन ऑटोमोटिव. या. सो तो कैसे हो आप लोग? आई एम वेलकम टू माय चैनल व्लॉग ऑन विद सौरभ शर्मा. एंड आपने अगर मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो आपने देखा रहेगा एक इधर डिलीवरी लेने आए थे कस्टमर. सो मैं उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी. एंड आज मैंने उनका डिलीवरी का जो है पूरा प्रोसेस है, जो उनका लाइफ लॉन्ग का मेमोरी है, उसको कैप्चर करने का कोशिश किया है. सो चलिए आइए मेरे साथ ये व्लॉग को देखिए और देखिए कि उनकी जो ये डिलीवरी हुई है कार की, गुरखा की, वो कैसी थी. तो आइए मेरे साथ. ये है इसका कैरियर, आप देख सकते हैं. चार आदमी लगते हैं इसको उठाने को, इतना हैवी है ये. एंड उसमें जेरी कैन होल्डर जो रहता है वो है जेरी कैन होल्डर. सो अभी ये जो कार है एक्चुअली इसका डिलीवरी होने वाला है, तो इसके लिए कस्टमर जो है इस पर अभी एक कैरियर लगा रहे हैं. मिनट भी नहीं लगा, चारों ने उसको फटाफट से इसका जो है कैरियर का काम कर दिया एंड फिक्स हो गया. सिर्फ दो चार स्क्रू बाकी है लगाने के. तो मैं अभी जैसे इधर आया था तो ये जो आप मेरे पीछे कार देख रहे हैं, आपको बताया ये जो कार है एक इधर मेरे कस्टमर है इधर ये शोरूम पे आया जो डिलीवरी लेना है. एंड आइए उनसे एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग चीज अपन सुनते हैं. सर आपका नाम? हरिकरण. सो इन्होंने अभी ये ग्रीन कलर की जो है गुरखा खरीदी. एंड जस्ट अभी इन्होंने मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताया जो आपको भी जानना जरूरी है. सर वो बताएंगे आप क्या है, आप किधर काम करते हो और क्या करते हो? आई वर्क फॉर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स. सो ऑल राइट. वर्किंग एज ए डीजीएम ट्रांसपोर्टेशन. ओके. इवन माय ब्रदर इज आल्सो फ्रॉम महिंद्रा. ओह, ही आल्सो वर्क्स फॉर महिंद्रा. या, ही इज अ प्लांट मैनेजर इन हैदराबाद इन ऑटोमोटिव. या. सो देखिए खुद ही महिंद्रा में काम करते हैं दोनों, बट देन टू दे चोस गुरखा ओवर थार. सो आपने थार को क्यों नहीं कंसिडर किया सर? थार एक्सट्रीमली गुड का. ओके. नो डाउट इन दैट. ऑलराइट. सो देयर आर टू थ्री रीजंस व्हिच आई कुड नॉट एबल टू गो फॉर थार बिकॉज़ ड्यू टू द स्पेस. ऑलराइट. आई हैव टू डॉटर्स. ओके. आई नीड स्पेस. माय मदर इज आल्सो यूज्ड टू ट्रैवल अलोंग विद मी. ओके. स्पेस. ऑलराइट. एंड ऑल्सो वेटिंग पीरियड फॉर थार इज टू मच. राइट. हाई. एंड when I consider this Gurkha, so I like very much. Okay. And the presence is also good and the height is also good. Absolutely. So, I thought this will be the best car for me, but the Thar is extremely good. So you have taken Gurkha for me. All right. But due to the time period and the space, uh-huh. and also I want the Benz engine. Okay. So, Gurkha is having the Benz engine. So that's the reason So if अगर आपको एक one USP पूछे which is in this and which is not there in Thar and that was the reason you considered it, तो क्या चीज रहेगी वो एक चीज सर? Driving comfort and space. Alright. बाकी it's okay, manageable. The interiors and everything. Both cars have the capability of 4x4. Right. And they are both are extreme performance in all the mountains and terrains, right? Okay. बघीरा. ओह दैट्स वंडरफुल. आई एम अ बिग फैन ऑफ मोगली. मोगली. बघीरा द ब्लैक मैन. करेक्ट करेक्ट. द प्रोटेक्टर ऑफ मोगली. राइट. This car is my protector. Yeah, you and your family's protector. Yeah. So, आप इसको अभी किधर लेके जाने वाले लॉन्ग ड्राइव पे? So, अभी तो मुंबई एंड लोनावाला तक. नियर बाय. ओके. अच्छा. I'm a little bit occupied next 1-2 weeks. Okay. Program. Definitely in this month end we will explore along with my family. And my brother also will visit. He's going to Spiti actually by bike. Wow. Okay. So, he will be coming next month. अच्छा. ओके. टेरेन एरिया. दैट्स ग्रेट. एंड इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? 5 महीनों.
This is a surprise year. So actually, in the year of 2014-15, I sold my Chevrolet Beat. Okay. I went to Chhattisgarh. I joined Jindal Steel. So moving to Chhattisgarh, I sold my car. And then I moved to Gujarat. So I was keep on traveling. Acha. So actually, if I can say, I'm just upgraded from Avenger 220 bike to direct. Absolutely right. So. करेक्ट. सो दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहेगा कि ये गुरखा अगर आपकी फर्स्ट कार नहीं हो सकती है, या अगर आप एल्टो चला रहे हो या छोटी कार चला रहे हो तो इसको चलाना बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो गुरखा चला रहे हैं, जो एल्टो चलाते थे या छोटी कार चलाते थे. एंड अभी आपके सामने ये जो एकदम साक्षात एकदम लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जो ऑलरेडी शेवरोले बीट चलाते थे, जो छोटी सी कार थी, एंड अभी उन्होंने सीधा गुरखा ली है. And that too after 5-6 years. It's not that he is a regular driver as such, but then he has taken straight away, jumped on Gurkha. So you can see the trustworthiness on this Gurkha, कितना लोगों का faith है, how this safety इसका जो है is so nice. Like people don't feel like they're driving a big car. It's a normal car, से वो बाहर से huge लगती है. No doubt it has a very very good road presence. आप जब भी इसको चलाते हो तो you will surely get people turning their heads. एंड आपको मालूम पड़ता है कि लोग पलट पलट के गाड़ी को देखते हैं. अभी मैं भी जब टेस्ट ड्राइव पर गया था तो इवन थार वाले रुक के देखते हैं गाड़ी को, ट्रस्ट मी. एंड मैं इधर थार को कोई डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, थार इज़ अ गुड कार दोस्तों. सो आई एम नॉट डिग्रेडिंग थार दोस्तों. एज यू कैन सी ओवर हियर, इन्होंने भी थार में महिंद्रा में रह के इन्होंने इसको लिया, बिकॉज देर आर समथिंग गुड फीचर्स एंड देर समथिंग इन दिस कार. एंड ट्रस्ट मी, अगर फोर्स मोटर्स वाले मार्केटिंग वाले अगर मेरे को सुन रहे हैं, आई एम नो वन टू से एनीथिंग, बट देन अगर आप लोग इसकी मार्केटिंग अच्छे से करोगे, इट कैन टेक थार का 100% मार्केट ऑफ यू एंड पूरे कस्टमर्स आपके पास आएंगे. सो अगर आप फोर्स में हो और आप पहचानते हो किसको फोर्स में, तो उनको ज़रूर बताइए. मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसकी मार्केटिंग करिए, इसको प्रॉपरली लोगों के बीच में लेके जाए, बिकॉज पीपल स्टिल डोंट नो दिस गुरखा. ओनली दोज ऑफरेडर्स जो है उनको मालूम रहता है कि ये कार है करके. एंड वन मोर थिंग, गुरखा कैन बी अ सेपरेट ब्रांड फॉर फोर्स. एब्सोल्युटली राइट. So like Nexa, how the Nexa right. is doing for Maruti, and so something like premium brand they can create out of this, like as you told very correctly, Nexa ke jaise. So usme like they can just put in their off-roaders, like Gurkha 3 doors hai, aage jaake 4-5 doors aane wale. So do consider this, that's a very small request from me, and not only from me, I am telling you, like jitne bhi Gurkha owners hai, they will vouch for it dosto. ये जो कार है अभी इसका डिलीवरी होने वाला है, एंड वो जो आप सामने देख सकते हो ग्रीन शर्ट में, वो ले रहे हैं इस कार को, उनका डिलीवरी आज. ये देखिए, इट्स लुकिंग सो ह्यूज, यू कैन सी, ऐसा लग रहा है कोई ट्रक को खड़ा करके रखा है. तो चलिए अभी इसका डिलीवरी करते हैं, एंड आपको आगे का वीडियो बताता हूँ. केक, अभी केक कटिंग होने वाला है. इसमें लिखा है वेलकम टू गुरखा फैमिली. केक कटिंग सेरेमनी हो रहा है. ये जो कस्टमर ने कार लिया है, हैप्पी गुरखा डे टू यू. करना चाहिए और हेल्दी करना चाहिए. तो
बाकी ऑलमोस्ट अंडर मैं आपको बताऊंगा टीटीएमएस का कुछ देख में ऐड कर देंगे। एक बेसिकली जो फीचर्स में है एक अपना टीटीएमएस का मैंने आपको बताया, तो बेसिकली हमने दो वैल्यूज स्टेनलेस सेट किए हुए हैं 22 and 45। 22 इज लो प्रेशर वैल्यू एंड 45 इज हाई प्रेशर वैल्यू। तो 29 तक जो 22 जब वैल्यू आपका जाएगा टायर प्रेशर का वैल्यू, तो वो टीटीएमएस डिस्प्ले इंडिकेशन देगा कि आपका टायर का वैल्यू 22 हो गया, कि जो कि आपको अभी रिफिल की जरूरत है, वो इंडिकेशन आपको क्लस्टर पे आ जाएगा। 45 जाएगा तो इट मीन्स कि जो प्रेशर है वो टायर का इंक्रीज हो गया है, तो अभी उसको आपको डिक्रीज करना है, यानी 45 से लेकर आपको 29 तक लाना है। तो वो दो इंडिकेशन है। टेम्परेचर भी दिखाता है अंदर, 65 टेम्परेचर रखा हुआ है, ओवर एंड अबाउ 65 जाता है तो आपको अंडरस्टैंड और इंडिकेशन होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो अभी आपको उसको फॉलोबैक करने की जरूरत है, यानी कुल कंडीशन में उसको रखने की जरूरत है, राइट। यानी कि आप ड्राइव कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो एट दैट टाइम आप गाड़ी पार्क करिए। चीज़ ये है कि आपने कहीं हॉल वगैरह में पार्किंग किया हुआ है, तो जो इंडिकेटर है जो उसमें बटन की कॉलम है, हाँ एक बटन दिया हुआ जिससे आप ये बटन प्रेस करके ये आपका लाइट आपका ऑन हो जाएगा पार्किंग में ढूंढने के जो आइडेंटिफाइड द दुर्घटना। तो ये लाइट इंडिकेशन में क्या होता है कि आप कहीं ऐसे मल्टीपल कार्स पड़ा है, जैसे कि एक साथ में चार दुर्घटना पड़ा हुआ है, ग्रीन कलर का ही है, तो आप पहचान में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो एट दैट टाइम आप ये पहचान सकते हैं ये बटन दबा के कि ये मेरा गुर्खा का है, राइट। और जो एकदम नाइट के टाइम में ये फॉलोड नाइट, हाँ नाइट के टाइम में आपको लॉक का बटन टू टाइम्स प्रेस करना है, ठीक है। बाकी गाड़ी के अंदर फीचर्स में अपने रीजनरेशन दिया हुआ है, LNT एंड BPF एंड SCR दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली क्या होता है केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो NOx निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं, वो जो गैसेस को कन्वर्ट करता है LNT सिस्टम, कन्वर्ट करने के बाद जो सूट वैल्यू है सूट पार्टिकल्स हैं वो DPF में एक्यूमरेट होते हैं, और उसकी एक बर्निंग की प्रोसीजर रहती है, वो सूट को बर्निंग करने के लिए प्रोसीजर है सर्टेन प्रोसीजर। तो वो बर्निंग करने के लिए क्या होता है कि थोड़ा जो फ्यूल है ना वो थोड़ा ज़्यादा उसमें लगता है इन दिस कार कंपेयर टू द एड ब्लू, क्योंकि कंबशन उसमें ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज होने के बाद ही वो सूट पार्टिकल्स बर्निंग होना स्टार्ट होते हैं। जब मोर देन दी 24 ग्राम सूट वैल्यू बढ़ जाता है ना, तो एक लाइट आता है रीजनरेशन का, तो उसमें एक बटन भी दिया हुआ है जिसमें रीजनरेशन प्रोसेस कैसे होती है, सर्विस मैनुअल रीजनरेशन होता है और एक मैनुअल रीजनरेशन होता है, तो जब भी वो लाइट आपकी इंडिकेट होती है ना, तो वो बटन दबा के ऑटोमेटिकली गाड़ी का RPM इंक्रीज हो जाएगा, इंजन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वो बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी DPF के अंदर जो सूट पार्टिकल्स हैं। जैसे ही वो सूट पार्टिकल्स की वैल्यू कम हो गई ना, ऑटोमेटिकली आपका गाड़ी का RPM नॉर्मल मोड में आ जाएगा, इट मीन्स की रीजनरेशन इंडिकेशन क्लस्टरमीटर पे आएंगे आप। तो बेसिकली यही अभी फिलहाल एडवांस नॉक सिस्टम है, टेलीस्कोपिक अपना एडजस्टेबल स्टीयरिंग जो स्टीयरिंग मिले एंड है, तो बाकी कुछ है तो आप मैं आपको बता देता हूँ।
मिस्टर हरिकिरण के कार के डिलीवरी का प्रोसेस एंड आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर हरिकिरण फॉर लेटिंग मी पार्ट ऑफ दिस मेमोरेबल इवेंट ऑफ हिज एंड आई कुड डू जस्टिस टू हिज डिलीवरी प्रोसेस. Sincerely wish him and his family a very happy and memorable and adventurous life ahead along with this Gurkha. चलिए दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है इधर ही ख़त्म होता है. आशा करता हूँ आपको आज का जो मेरा ब्लॉग है वो पसंद आया होगा. एंड अगर मेरा चैनल पसंद आया और आज का ब्लॉग पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरे चैनल का नाम है ब्लॉग ऑन विद सौरभ शर्मा. इसी के साथ अपन मिलते हैं कल जब घड़ी करेगी इशारा रात 9 बजे का. तब तक के लिए कीप रोरिंग, कीप शाइनिंग, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय.